तो देखिए यहाँ पर हम लोग वायरिंग तो कर दी अभी, आप देख रहे हो ना ऊपर में हमारा क्या लगा है, न्यूट्रल लगा है। और तो देख रहे हो ये हम लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है पता है, ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा है। शौक नहीं लग रहा, मेरा चेहरा दिखा दीजिए, इम्प्रेशन दिखा दीजिए। और ये बल्ब देखिए, बल्ब भी जल रहा है और मैं वायर, दोनों वायर को मैं पकड़ा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर, तो फिर नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग रेफ्रिजरेटर जो है रिपेयरिंग करने वाले हैं, ताकि हमारा ये फ्रिज, आप देख सकते हो साइड पे हमारे पास फ्रिज है और इसमें कंप्रेसर जो है नहीं चल रहा, खाली यहाँ पर लाइट इंडिकेशन हो रहा है, जैसे कि हम लोग डोर खोलते हैं ना तो इंडिकेशन लाइट जल रहा है, वैसे ये कंप्रेसर नहीं चल रहा। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिपेयरिंग किया जाते हैं, तो हमारे को काफ़ी जगह सवाल आया था, सर आप रेफ्रिजरेटर जो है फ्रिज भी बनाते हो कि नहीं, ऐसी रिपेयरिंग करते हो नहीं, तो वीडियो जरूर डालना इसके बारे में। तो मैं एक छोटा सा एक वीडियो है, तो इसमें देखते हैं हम लोग रिपेयरिंग कर पाते हैं कि नहीं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो हमारा ये फ्रिज चल नहीं पाता, तो हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। और दोस्तों वीडियो भी नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि तो देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट एरिया नहीं, बैक एरिया में हमारा जो है यहाँ पर कंप्रेसर है, ठीक है। और हमारे साथ कौन आया देख रहे हो आज रिपेयरिंग करने के लिए, तो ये जो है यहाँ से हम लोग स्विच बोर्ड से चालू करके देखते हैं फ्रिज जो में इंडिकेटर जल रहा है, उसके बाद हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतना है और कैसे इसको चेक करना है, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो पर बने रही कंटिन्यू। यहाँ पर स्विच बोर्ड पर डाल दिए और देखते हैं यहाँ पर फ्रिज में क्या होता है। तो यहाँ पर अपने को इंडिकेटर देखने को मिल जा रहा है, ये क्या हो रहा है बोल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मेन लाइन चेक करना था, तो मेन लाइन तो सही आ रहा है, इंडिकेटर मतलब यहाँ पर लाइट जल रहा है ना फ्रिज पे डोर खोलने के बाद, तो समझो ये लाइट सप्लाई आ रहा है। तो हम लोग को अभी क्या चेक करना है, यहाँ पर हमारे पीछे बैग्स तरफ आएंगे तो हमारा कंप्रेसर रहता है, तो एक बताऊँ हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड नहीं है तो दिक्कत जा रही है, इसको हम लोग को फिर से खोल के वहाँ पर रोशनी में लेके जाना पड़ेगा, अंधेरे में आपको तो समझ नहीं आएगा, तो चलो हम लोग इसको खोलते हैं और वहाँ पर लेके जाए। तो यहाँ पर देखिए ये तो लीड सही है, तो हम लोग पहले उसी को चेक कर दें, और अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए रिले लगे रहता है, तो हम क्या करेंगे जो ढक्कन है वो बाहर करेंगे और ये कंप्रेसर में देखते हैं सप्लाई जा रहा है नहीं, हमारा इनपुट पहुँच रही है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग सीरीज लैम यूज करने वाले हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर सीरीज लैम है। अब सोच रहे हो ये तो हमारा नहीं है फिर ये किसका है, तो हम लोग आए बाहर, तो वहीं पर हम लोग सामान एक भाई का मांग के ले के आए और वहाँ पर हम लोग चेक करें, तो देखने को मिलेगा एक कैपेसिटर यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा रिले है तो कैपेसिटर लगा होगा, चलो इसको खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर रिले में हमारा सप्लाई जा रहा नहीं, कंप्रेसर हल्का सा मेरे को लगा हीट हो रहा था, जैसे कि हम लोग इसको प्लग डाले ना हल्का सा हीट हो रहा था, तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग नहीं ले पा रहा है, तो चलो इसको हम लोग को रिलुक करते हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग टेप का देखने को मिलेगा, उसको खाली हल्का सा पुश करके आगे लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ये हल्का सा स्प्रिंग देखने को मिलेगा, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर अपने को क्या क्या देखने को मिल जाता है, कौन सा रिले है कैसा है, तो हम लोग पूरा भी आपको बताएंगे डिटेल। इसको हल्का सा दिक्कत जा रहा है, जगह बहुत छोटा रहता है ना, तो यहाँ पर निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो है कवर खुल गया, लाइट ऑन कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको रिले देखने को मिल रहा है, तो सभी इसका तो वायरिंग सही लग रहा है अपने को, सही से फिटिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या है चलो आपको दिखाते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले रिले लोग को बाहर कर लेते हैं, एटीसी रिले है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैपेसिटर लगा है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखिए एक रिले हम लोग बाहर कर दिए, यहाँ पर 3 पॉइंट वाला एटीसी रिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक और रिले है, आपको दिखाता हूँ, देखिए तो ये क्या हो रहा है आपको पता है, यहाँ पर एक पॉइंट जो है यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, देखिए ये देखिए फेस और न्यूट्रल जा रहा है, फेस न्यूट्रल जा रहा है यहाँ पर, ये हमारा नीचे वाला फेस लगा ऊपर में देखिए, और ये जो है रनिंग न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल पे ऊपर में जाकर लग रहा है। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे दो वायर क्यों जा रहे हैं यहाँ पर, एक है स्टार्टिंग कैपेसिटर, यहाँ से स्टार्टिंग करता है कैपेसिटर और ये रिले काम करता है, तो हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, ऐसे हिला के देखते हैं तो आवाज़ आता है, तो समझो यहाँ पर रिले प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हम लोग जो है
डायरेक्ट पहले कंप्रेसर ऑन करके देखते हैं डायरेक्ट ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है प्लग कर दिए हैं स्विच बोर्ड पे, ठीक है। तो और एक हम लोग बल्ब होल्डर डाल लिए हैं सीरीज लैंप को, और इसको एक को तो डायरेक्ट कर देते हैं नीचे तरफ, और इसमें हम लोग रिले पे चेक करने वाले आउटपुट बाहर जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग सब ले लिए हैं, और इसमें हम लोग चेक करने वाले जो हमारा रिले है वहाँ से आउटपुट जा रहा है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पर एक इधर से न्यूट्रल जा रहा है, इधर हमारा फेस आ रहा है ना, तो रिले का आउटपुट और इनपुट दोनों चेक करेंगे अपन। देखिए पहले हम लोग एक पॉइंट पे यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। एक वाले वायर को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये हमारा इनपुट है, और देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई आ रहा है जो हमारा बल्ब जल रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आउटपुट जा रहा है नहीं के, तो यहाँ पर दो पॉइंट है अपने को, एक पॉइंट यहाँ है इनपुट का और ये हमारा आउटपुट का है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग जो है ना, इसमें हम लोग को सप्लाई बिल्कुल नहीं जा पा रहा है यहाँ पर। और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा है, हम लोग इसको चेक करने वाले हैं। इससे अच्छे अब यहाँ तो पूरा वोल्टेज डाउन है ऐसा लग रहा है, इसके कारण जो है ये फ्रीज़र भी नहीं चल पा रहा है। इसको करीब 210 तो चाहिए, यहाँ पर देख रहे हो बल्ब का रोशनी, तो ये तो भाई ये तो 100 भी नहीं ऐसा लग रहा है, देख रहे हो हाफ डाउन हो रहा है ना। तो ये करीब आउटपुट पे ये जलना चाहिए, ये तो इनपुट हो गया, यहाँ पर आउटपुट पे जलना चाहिए, तो ये जल नहीं रहा है। तो समझो ना यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्रेसर कहाँ से चलेगा, इसके लिए तो स्टोर प्लायर चाहिए। तो हम लोग एक बार कोशिश कर लेते हैं डायरेक्ट डाल के अभी, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे स्टार्टिंग। और यहाँ से हमारा एक कैपेसिटर है तो उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं कि वोल्टेज इतना में नहीं चलता, इसको 220 तो चाहिए। हमारे पास अभी मल्टीमीटर नहीं है, तो आपका चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिले हम लोग बाहर कर दिए, और रिले से बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है, तो ये रिले अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट भी लिखा था, आपको दिखा है ना, यहाँ पर 2, 1 और ये 3। तो 2 में हमारा फेस जा रहा था, 1 पे कैपेसिटर लग रहा था, और 3 पे भी कैपेसिटर लग रहा था। तो इससे अपने को आउटपुट चाहिए 3 में, तो ये सप्लाई अच्छे से अपने को पावर भी नहीं मिल रहा है, और ये ऑन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है ये तो इसका टाइमिंग है, तो हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटर चेक करना है यहाँ पर, ये दोनों कैपेसिटर चेक करने वाले पॉइंट, तो ये काम आ रहा है कि नहीं, आउटपुट सप्लाई मिल रहा कि नहीं। अरे बाप रे कितने साल हो गए, इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले पा रहा है, तो लगा के टेस्टिंग करके, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट चालू करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों एक कैपेसिटर घर पे पड़ा था, और देखते हैं ये कितना एमएमडी का, तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है 315 का होगा, कोई बात नहीं चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का है, तो 315 आराम से काम आ जाएगा। तो हम लोग कैपेसिटर इसलिए डाल रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी लो है, और इससे स्टार्टिंग ले पाएगा कि नहीं वो भी हम लोग देख लेते हैं, और देखते हैं एक बार स्टार्टिंग करके कनेक्शन फिर से जैसा था वैसा हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। बस ये जो है इसका टर्मिनल जो है ये ज्वाइन पिन नहीं लगेगा, खाली हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। और मेरे को ये रिले हम लोग चेक किए ना तो सही ना आ रहा है, इससे आउटपुट भी मिल रहा है और इससे न्यूट्रल भी हमारा बाहर आ रहा है यहाँ से। तो चलो इसको हम लोग फिर से जैसा था वैसा हम लोग सेटअप करते हैं, और नहीं होगा तो हम आपको इसका डायरेक्ट करके आपको देखेंगे किस तरीके से इसको कंप्रेसर को डायरेक्ट किया जाता है चालू। तो बस कैसे लगाना है, सबसे पहले ये वाले पॉइंट जो है रिले के ऊपर में पॉइंट लगाना है, ठीक है, उसके बाद ये रिले को लगाना है ऐसा। ये काफ़ी आसान है और छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो ये रिले आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। ये मॉडल नंबर बताना, रिले लेके आना, फ्रिजरेटर का सामान मिलता है वहाँ पर जाना। चलो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज पे चेक करेंगे, डायरेक्ट ऐसा लाइन पे नहीं डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा सीरीज है हमारे पास, और ये सीरीज पे लगा दिए, और हल्का सा साउंड भी बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ पर अब तो कंप्रेसर ही चेक करना पड़ेगा फाइनल, ऐसा लग रहा है। और यहाँ से अपने को सप्लाई भी मिल रहा है रिले पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, रिले को यहाँ पर निकाल के हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर को एक बार लाइट भी ऑन करके देख रहे हैं, ये सीरीज लैंप है, और ये टेस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कंप्रेसर पे लिखा रहता है यहाँ पर 220 इनपुट 240 इनपुट तक इसका कैपेसिटी रहता है, तो उसको चाहिए इतना पावर तब जाके ये कंप्रेसर चलता है। और आपको देखने को मिल रहा होगा ये लाइट देख रहे हो कितना रोशनी कम है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर दोनों यहाँ कैमरा में फोकस करिए, इधर आ अंदर आ अंदर आ ना इधर आ अंदर आ। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं ये काम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तो कंप्रेसर तो हमारा कंटिन्यूटी सही बता रहा है। तो हम लोग क्या अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं इसको डायरेक्ट डाल के,
ठीक है, तो बुकल नहीं है, बॉडी शॉट नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वायरिंग तो कर दिए, अभी आप देख रहे हो ना ऊपर में हमारा क्या लगा है, न्यूट्रल लगा है, और उधर राइट पे फेस, और हम लोग यहाँ पर प्लग लगा देते हैं। कैसे लग रहा है आपको? एक डेंजर रहता है, फिर जो इलेक्ट्रिशियन है भाई वही करना, इसको बिना रिक्स का बिल्कुल ये नहीं देखना, और सीरीज होल्डर पे ज़्यादा ही टेस्टिंग कर। और दो वायर देखिए यहाँ पर ट्विस्ट कर रही है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करने के लिए ले रहे हैं, देखते हैं कंप्रेसर ऑन हो पाता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फेज वाले वायर और इसको तो देख रहे हो, ये हम लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है पता है, ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देखना यहाँ पर हल्का सा कंप्रेसर जो हिलना चालू हो रहा है, हम लोग खुद नहीं हिला रहे, इसको दो तीन बार ऐसे शॉर्ट कर लेना। तो यहाँ पर अपने को वोल्टेज का ज़्यादा इशू लग रहा है मेरे को, तो स्टार्ट एक एक दो बार उठा रहा है, उसके बाद फिर से रुक जा रहा है, हिलना चालू हुआ मतलब आप समझ जाना है कंप्रेसर चल रहा है, और एक दो बार हो चुका है अभी तो हिला अभी, और आवाज़ भी आया था कंप्रेसर से। हो गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो तीन बार कोशिश कर लिए और ये बिल्कुल नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि ना वोल्टेज पूरा डाउन है, 100 से भी कम मिल रहा अपने को। तो आपको दिखाता हूँ, इसको हम लोग कंटिन्यू शॉर्ट करके रखेंगे ना तभी ये हल्का सा हिल डुल रहा है, आप देख सकते हो उधर यहाँ पर हल्का सा आवाज़ आ रहा है, और ये देखिए बंद हो गया, ये बस कुछ ही देर के लिए हल्का सा ये स्टार्टिंग हो रहा है, पम्प हो रहा है, उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ पर ये शट डाउन हो जा रहा है। तो ये जो है तब तक हमारे को वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये बनने वाला नहीं है, इसके लिए स्टॉपर पर्सनल चाहिए तब जाके ये फाइनल बनेगा, नहीं तो ऐसा इस तरीके से ये कंडीशन रहेगा। तो ये वाला वीडियो आप सोच रहे होंगे ये फ्लॉप हो गया, आपको वोल्टेज नहीं इसलिए ये काम नहीं आया। तो आशा करता हूँ ऐसा आपके पास भी प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे पहले ना आप स्टॉपर इसके लिए जुगाड़ करिए, उसमें अपने को वोल्टेज मिलना चाहिए तब जाके ये काम होगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। भाई को यहाँ पर हमारे बड़े भैया को इसको करंट शॉक दिया, तो बिल्कुल शॉक नहीं लगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, तो कितना वोल्टेज लो होगा यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ है और ये यहाँ पर महासमुंद जिला में आता है। चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों वायर को टच करें, देख यहाँ पर कोई भी रिक्स घर पे नहीं लेना है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। मैं एक वीडियो डाला था, वो काफ़ी मिलियन में व्यूज़ गया, काफ़ी लोग कमेंट करते भाई तू भाई इस 4-4 का वायर जो हम लोग 3-phase का वायर को दांत में चाबा तो करंट क्यों मिला। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग अभी जूता पहने, उसके बाद रनिंग अर्थिंग को भी हम लोग दे रहे ना, उसके बाद भी करंट नहीं लग रहा है। तो चलो आपको दिखा दूँ कैसा लग रहा है आपको, करंट लगेगा मेरे को? देखिए एक वायर पकड़ लिया मैंने, ये देखिए वायर को मैं पकड़ लिया, मेरे शरीर से करंट फ्लो हो रहा है, और ये देखिए लाइट जल रहा है, ये देखिए दोनों वायर से पकड़ा हूँ मैं और मेरे शरीर पे बहुत करंट फ्लो हो रहा है, फिर मेरे को शौक नहीं लग रहा, मेरा चेहरा दिखा दीजिए, इम्प्रेशन दिखा दीजिए, और ये बल्ब देखिए, बल्ब भी जल रहा है, और मैं वायर दोनों वायर को मैं पकड़ा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो फ्रीजर बना रहे हैं भाई साहब लोग, और ये क्या दिखा रहे हैं, मैं दोनों वायर को ऐसे हाथ से पकड़ा हूँ तो मेरे को शौक नहीं लग रहा है, न्यूट्रल और ये फेस भी पकड़ा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों को पकड़ने के बाद ही मेरे को शौक नहीं लगा, तो सोचो ये फ्रिज ही कहाँ से चलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्रिज भी नहीं चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, जब वोल्टेज आएगा तब ये चलेगा। और ये जो ट्रिक है मैं आपको बताया ना, ये ट्रिक बिल्कुल यूज मत करना घर पे, बहुत डेंजर है, और जो इलेक्ट्रिशियन भाई उन लोग को अपने जूता चप्पल पहन के काम वर्क करना है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जैसे चप्पल पहन के जाते हैं ना, वैसे देख के जाना, ध्यान देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो कुछ सीखने को मिलेगा, हम लोग किसके बारे में बताने वाले थे और क्या आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों मिलते हैं नए जुड़े, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।